हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल सरकारी एग्जाम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लेके आए हैं आपके लिए ITBF की जो स्पेशल वैकेंसीज आई हुई है कांस्टेबल पोस्ट के लिए, उसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं सारी जानकारी। तो आप वीडियो को देखें पूरे अंत तक, उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये वीडियो जो है, ये जो वैकेंसी है वो 10th पास के लिए है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट में ही पूरा करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये आपको ITBP फोर्स की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो और ये ITBPF के बारे में और जानकारी से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग और भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आर्मी से रिलेटेड है, नेवी से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है और बैंक से रिलेटेड, जो भी वैकेंसीज जो 10th और 11th पे आने वाली है और भी जो आगे की वैकेंसीज आने वाली है, उन पर हम और भी बातें करेंगे इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सो गाइज, आज हम बात करेंगे ITBPF के बारे में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। इसकी वैकेंसी आई हुई है, ये रिक्रूटमेंट है जो कि कांस्टेबल पोस्ट के लिए है। आपको एनिमल ट्रांसपोर्ट में वैकेंसीज आई हुई है, आपको ये सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अवेलेबल है। ये वैकेंसी सिर्फ इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल के लिए अवेलेबल है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो ओपन डेट है 15 अक्टूबर 2018 को आपका एप्लीकेशन भरना शुरू हो जाएगा, और ये एप्लीकेशन का इन डेट है 13 नवंबर 2018 को। 13 नवंबर 2018 को आपका एप्लीकेशन का डेट क्लोज हो जाएगा। आपकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको ITBP फोर्स में आपको सर्व करना है। इसका पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में आपको लेवल 3 के पे स्केल मिलेंगे, जो कि 21,700 से लेके 69,100 तक के आपके पे स्केल होंगे। अदर अलाउंस भी मिलेंगे आपको, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री एकोमोडेशन और ऑल अदर इंफॉर्मेशन भी आपको, ऑल अदर अलाउंस भी मिलेंगी। वैकेंसीज की बात करें तो इसके वैकेंसी जो है वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, जो कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के डिपार्टमेंट में है। तो इसमें वैकेंसीज जो है 85 वैकेंसीज है, जो कि अलग अलग रिजर्वेशन कोटा के लिए है। अगर 85 वैकेंसीज की बात करें तो मेल के लिए जो अनरिजर्व वैकेंसीज है, अनरिजर्व जो सीट है वो 36 है। SC के लिए 11 और ST के लिए 5 है, जबकि OBC के लिए 20 है। टोटल आपके 72 सीट हैं, और फीमेल के लिए अनरिजर्व 7 हैं, SC 2 है, ST 1 है और OBC के लिए 3 है। पूरे फीमेल के लिए 13 सीट्स हैं। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में आते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है उसके लिए आपको एज लिमिट जो है वो एज लिमिट आपको 18 से 25 साल होना जरूरी है, और आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो 10th डिवीजन होना चाहिए। 10th बोर्ड आपको जो मेट्रिकुलेशन है, मेट्रिकुलेशन बोर्ड आपको पास होना जरूरी है। कट ऑफ डेट और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज जो है वो आपका 13 नवंबर 2018 से आपका 18 मिनिमम जो होना चाहिए वो आपका एज काउंट जो होगा वो 13 नवंबर 2018 से काउंट होगा। उसके उसके अनुसार आपको आपका एज जो होना चाहिए 13 नवंबर 2018 के अनुसार आपका एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। इसमें एज में जो होना चाहिए वो आपका 14 नवंबर 1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 13 नवंबर 2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आपका एज जो होना चाहिए इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो अब अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी है SC ST के लिए, OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसकी डिटेल के लिए मैं इसका नोटिफिकेशन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, इसमें आपको टेस्ट जो होंगे वो कुछ 3-4 फेज में होंगे, वो मैं आपको आगे डिटेल बताऊंगा। इसका एक फेज जो है वो फिजिकल स्टैंडर्ड भी है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर बात करें हम, तो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो सारे स्टेट यूनियन टेरिटोरी के लिए है, जो कि कुछ स्टेट छोड़ के हैं जैसे कि ग्वालिस, कुनौज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन सबको छोड़ के अगर हम बाकी स्टेट की बात करें तो उनके लिए जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर चेस्ट की बात करें तो चेस्ट सिर्फ मेल के लिए कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है, और चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 होना चाहिए। और बाकी जो रिमेनिंग जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और भी हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, उनके लिए जो मेल की हाइट होनी चाहिए वो 165 होनी चाहिए और फीमेल की 155 होनी चाहिए। जबकि चेस्ट में बात करें तो चेस्ट जो होना चाहिए 78 से लेकर 83 के बीच में होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट जो ST से बिलोंग करते हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, लेकिन अगर वो ST से बिलोंग करते हैं उनकी हाइट 162.5 से लेकर 5 होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 है। और चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो उनकी 76 से लेकर 81 के बीच में होनी चाहिए। वेट जो होनी चाहिए, वेट जो है हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, आपके हाइट के अनुसार ही आपका वेट होना चाहिए। अब आई साइट वगैरह की बात करें तो वो जो है वो बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है।
आगे अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई बाय विच डेट। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो 15/10/2018 यानी आज से शुरू हो रहा है और आपका 13 नवंबर तक एप्लीकेशन भरे जाएंगे। आप एप्लीकेशन डालने के लिए www.recruitment.itbpolice.nic.in पे जा सकते हैं। आपके जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपये है, आपको 100 रुपये जमा करने होंगे। और SC/ST कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए फी जो है वो नहीं जमा करना है, उनको फी जो है फ्री है, मतलब वो बिना फी के अप्लाई कर सकते हैं, उनको फी नहीं देना होगा, किसी एप्लीकेशन कोई फी नहीं लगेगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अब सिलेक्शन प्रोसेस में जो होगा वो पहले होगा PET, फिर होगा PST और फिर होगा आपका रिटन टेस्ट। तो PET क्या है? फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। आइए हम एक एक करके पूरे इसको स्टेज बाय स्टेज देखते हैं। तो फेज वन में आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको, फॉर मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस जो होगी वो आपको 7.5 मिनट में पूरा करना है, जो कि बहुत ज्यादा है 7.5 मिनट पूरा करने के लिए। जबकि हम अगर नेवी का देखें, एयरफोर्स का देखें, तो नेवी में आपको 7 मिनट देता है और एयरफोर्स में 6.5 मिनट देता है, लेकिन इसमें आपको 7.5 मिनट दिया जा रहा है। लॉन्ग जंप जो होना चाहिए वो 11 फीट का होना चाहिए, आपको 3 चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप जो है वो 3.5 फीट का होना चाहिए, इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 800 मीटर का रेस होगा उनका, 4.45 मिनट में उनको पूरा करना है। लॉन्ग जंप जो होगा वो 9 फीट का होगा, 3 चांस दिया जाएगा। और हाई जंप जो होगा 3 फीट का होगा, उसको भी 3 चांस दिया जाएगा। और उसके बाद से अगर आप PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपके लिए आएगा PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपके हाइट मेजरमेंट, वेट मेजरमेंट और अदर जो चेस्ट मेजरमेंट वगैरह है वो सब देखी जाएंगी। फिर आपका आता है फेज टू। फेज टू में आपका रिटन एग्जाम होगा। जब अगर आप फेज वन को क्वालिफाई कर जाते हैं फिर आपको फेज टू के लिए एडमिट कर दिए जाएंगे। और ये जो होगा फेज टू, ये रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम जो होगा वो 2 तरह से होगा, या तो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वो उसके सेंटर पर डिपेंड करता है कि उसका सेंटर किस टाइप का है, उसके अनुसार आपका एग्जाम होगा। द रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ OMR बेस्ड और कंप्यूटराइज्ड, वही जो या तो आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन हुआ तो आपको OMR सीट पे होगा, ऑनलाइन हुआ तो कंप्यूटर बेस्ड होगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाई लैंग्वेज इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब क्वेश्चन पेपर दोनों लैंग्वेज में आएंगे, हिंदी में भी आएंगे इंग्लिश में भी आएंगे। आप दोनों लैंग्वेज में आप जिसमें सुटेबल उसमें आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करें तो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के आएंगे और टाइम जो आपका 2 आवर दिया जाएगा। 2 आवर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सब्जेक्ट्स में आपका पहला है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो है वो आपका 25 क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर का। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो होगा वो भी बाई लैंग्वेज में आएगा, मीन दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, वो भी आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। एनालिटिकल एम्पलीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्यूज पैटर्न, इसमें आपको 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। और बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और हिंदी के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे, यानी टोटल आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और आपका जो कट ऑफ होगा, जो कट ऑफ परसेंटेज की बात करें तो कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स की बात करें तो जनरल और एक्स सर्विसमैन के लिए, मतलब एक्स सर्विसमैन जो कोटे से जो अप्लाई करेंगे, और जनरल पर्सन के लिए 35% होगा, जबकि SC/ST और OBC के लिए जो कट ऑफ परसेंट होगा वो 33% होगा। मेरिट लिस्ट जो होगा वो मेरिट लिस्ट, उसके बाद से आपका रिटर्न के बाद से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद से आपका फेज 3 होगा। फेज 3 में क्या होगा? फेज 3 में आपका वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसमें आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो उसमें आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट यानी 10th का जो सर्टिफिकेट है, या फिर 12th अगर आपकी है तो 12th का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जनरली काउंट होता है, या फिर आपका अदर सर्टिफिकेट जो है जो आपका डेट ऑफ बर्थ दिखाता है उसको आप यूज कर सकते हैं। प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंट सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो आप उसको ले जा सकते हैं। SC/ST या SC/ST सर्टिफिकेट यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आपको वो ले जाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका जरूरी है, वहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी देखा जाएगा। और लास्ट में आपका वो होगा मेडिकल, मेडिकल टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके अनुसार। उसके बाद से कुछ इन्फॉर्मेशन जी है, जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि कैंडिडेट जो PET PST में जो जाने वाले हैं उनके लिए क्या क्या जरूरी है। अगर आप इससे भी रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो अगर आप इससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा वीडियो बनाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।